हेलो फ्रेंड्स। सो जो क्लरिकल और सब स्टाफ है उनकी न्यू बेसिक ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है, तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक दे सकते हो। 2011-2022 से आपका नया बेसिक क्या होगा, तो जैसे क्लरिकल में जो स्टार्टिंग बेसिक होता था 11 BPS में, वो 17,900 होता था, जो कि अब हो गया है 24,050 रुपीज़। लेकिन और क्लरिकल में क्या होता है, 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो जो स्टार्टिंग होती है क्लरिकल की उस समय 19,900 से होती है, तो जो अब बढ़ के हो जाएगी 26,730 रुपीज़, जो कि नई बेसिक होगी क्लरिकल की। अब वहीं आप सर स्टाफ की देखो, जो की होती थी 14,500, जो कि अब इंक्रीज होके हो गई है 19,500। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक देख सकते हो, और जो आपकी पुरानी बेसिक से उसके हिसाब से 12 BPS में क्या बेसिक होगी यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट में। और जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होते थे, जो कि 10 थे, उसको भी बढ़ा के 11 कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो क्लरिकल की बेसिक जो मेनली इंक्रीमेंट लगते थे, उसके बाद 47,920 के बाद से, जो कि हो गई है 64,480, और स्टेग्नेशन के बाद से जो अब क्लरिकल की बेसिक है वो पहुंच सकती है हाईएस्ट जो बेसिक हो सकती है 12 BPS में, वो 93,960 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। एंड स्पेशल अलाउंस जो यहाँ पे है आप देख सकते हो, 16.40 होता था, उसको बढ़ा के 26.50 किया गया है। और वहीं पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 600 होता था, उसको 850 रुपीज़ किया गया है। वहीं सेम आप सब स्टाफ में देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट था, जो कि अब देखिए 11 हो गए हैं, क्लरिकल में 2,680 रुपीज़ का हर 2 साल में इंक्रीमेंट बेसिक में इंक्रीज होगा, जो कि 11 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट तक जाएगा। और स्पेशल पे जिसके लिए इतना ज़्यादा बोला जा रहा था, SWB बनाया गया है, वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि 1,680 रुपये पहले होता था, शायद SWB को बोल रहे हैं, तो जो कि 1,970 हो गया है। कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, 200 तो 200-300 बढ़ा के हज़ारों के पास पावर बढ़ा दी गई है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट में जो कि 2,605 नवंबर 2022 के हिसाब से होगी, जो कि अब अप्रैल में ये चेंजेस होंगे, क्योंकि अप्रैल में नई पोस्ट इंक्रीज मतलब नई पोस्ट दी जाएगी इनको, 3,050 रुपीज़ हो जाएगी। जिसको हेड कैशियर बोलते थे, उसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट नाम दिया गया है। स्पेशल सर्विस कस्टमर एसोसिएट, ये एक नया नाम दिया गया है, जो स्पेशल असिस्टेंट होते थे उनको ये बोला जाएगा आज से, अब से, जो कि उनकी नई बेसिक जो एक अलाउंस मिलता है स्पेशल पे, वो कि वो हो गया है 4,600। एंड यहाँ पे आप PQ पे देख सकते हो, जो कि 820 और ये 1,614, 2,460, मतलब ये 4,100 जाता है। और यहाँ पे DA आप देख सकते हो, जो क्योंकि जो हमारी सेटलमेंट जो सैलरी है नवंबर 2022 से है, तो रिवाइज DA हमारा 7.44 हो जाएगा नवंबर 2022 के लिए, जो कि अब बढ़ के नवंबर 2023 में 15.77% हो गया है। और जो अब 0.01 चेंज फॉर एवरी सेकेंड डेसिमल ओवर, क्योंकि अब ये जो नॉर्मल जो सेंट्रल में फॉलो होता है वही DA हमारे में फॉलो होगा। एंड ये अदर पोस्ट देख सकते हो, बिल कलेक्टर आर्म गार्ड, उनकी जो स्पेशल पे हो गया वो 795, सीनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये इनका बेसिक इनका स्पेशल पे कर दिया गया 1,505। एंड ऑफिस असिस्टेंट जो सब स्टाफ होते हैं उनको 1,145। एंड ड्राइवर का हो गया 4,825 रुपीज़। ये जो नाम चेंज किए गए हैं उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज की गई है, लेकिन सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड HRA में कोई इंक्रीज नहीं किया गया क्लरिकल के लिए, HRA सेम का सेम रखा गया है, 10.25 कॉल सेंटर ऑन एडमिन एंड ट्रांसफ़र, अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो 1.5% HRA रिसिप्ट बेस पे आप ले सकते हो। और FPP जो क्लरिकल का हो गया है वो 3,155 हो गया है, एंड सब स्टाफ का 1,585 रुपीज़। PF 10% टॉप पे, जो PF कटता है वो 10% कटेगा, और NPS सेम है जो 10% होता था, और 14% बैंक शेयर करता है। वॉशिंग अलाउंस 300 पर मंथ, साइकिल अलाउंस 200 पर मंथ, हाल्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें पहले ही आ चुकी थी, और पॉकेट एक्सपेंस को 35% ऑफ हॉल्टिंग अलाउंस किया गया है, जो कि पॉकेट अलाउंस शायद 1/4 होता था, उसको 35% किया गया है। एंड LFC के लिए जो क्लरिकल का था वो 2,350 किलोमीटर कर दिया गया है, 2 ईयर में, और 4 ईयर में हो गया 4,700 किलोमीटर। यही सब स्टाफ का यहाँ पे आप देख सकते हो। और रोड जो माइलेज है 11 रुपये पर किलोमीटर प्लस टोल टैक्स। एंड मेडिकल एड जो है क्लरिकल का वो 2,830 कर दिया गया है, जो कि
2355 था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने मेडिकल। तो ये सारी अपडेट हैं, और भी जो अपडेट आएंगी वो उसको मैं आगे वीडियो में शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारी यूनियन इसको हिस्टोरिक सेटलमेंट बता रही है, जो कि सारी चीज़ें पहले से थी, और ये जो इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं आया है ड्यूटी के बारे में, वो भी अभी रिलीज होगा। उसके बाद देखते हैं क्या हमारे यूनियन के नेता बोलते हैं कि कैसे उन्होंने हिस्टोरिक किया है। थैंक यू दोस्तों।